कुछ है जो हमें जोड़ता है उस परमात्मा से, वो जिस पे कायम है हमारा अस्तित्व। मंत्रों के जाप में, कलमों में, गुरुबानी में बसता है वो अपने भक्तों की वाणी में। कोई आता है मन की शांति की खोज में, तो किसी को मिलता है संपन्नता का वरदान। कोई मांगता है अपनों की खुशी यहाँ, तो कोई बन जाता है एक बेहतर इंसान। एक शक्ति है वो जो खींच लाती है करोड़ों को अपने पास, विश्वास के इन पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं उसकी शरण में फिर एक बार। शरणम, सफर विश्वास का। इस गांव में कौन से भी घर में दरवाजा नहीं, यहाँ चोरी होती नहीं है। भगवान इस परिसर का, इस गांव का रक्षण करता है। यहाँ के बारे में मशहूर है कि अगर कोई भी कुछ गलत कार्य करता है, किसी को धोखा देता है, चोरी करता है, तो उसके साथ कुछ बुरा होता है। वो एक डर भी है, लेकिन वो सत्य भी है, क्योंकि ऐसा यहाँ पे हुआ है। एक बार बाहर कोई स्टेट से चोरी करने आए, तो उन्होंने तो चोरी की, लेकिन वो निकलने लगे तो आंधे हो गए। यहाँ क्यों आते बोले तो यहाँ तो भगवान का वास्तव यहाँ रहता है। हमारी जो आस्था है वहाँ आके जाके हम अपनी मनोकामना पूरी हो गई ऐसा मानते हैं और यहाँ पे आते रहते हैं। जब भी आता हूँ कान पकड़ता हूँ, भगवान का शुक्र करता हूँ, इसके साथ कुछ नहीं मांगता। जो भी काम है मेरा वो मैंने उनको बता दिया तो मेरा काम वो सफल हो जाता है। हमारी भावना है जब तक भगवान बोलेंगे जब तक आएंगे, नहीं बोलेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, क्या करेंगे। जब कोई साइकिल सीखते हैं तो वो डर जाता है, तो पीछे बड़े वाले ने बोला कि मैं पीछे से पकड़ रहा हूँ, तो वो नहीं पकड़ा तो भी वो चलता है। तो वैसे ही यहाँ लोग जब आते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि हम भगवान जी को बोलेंगे पकड़ लेंगे आपको, तो वो चलने लगता है, तो अपने आप वो दौड़ने लगता है, उसमें कॉन्फिडेंस आता है, निगेटिव थिंकिंग सब निकल जाती है और वो पॉजिटिव बन जाता है। मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है और सब मोह माया हमारे पीछे छूट जाती है। हम एक अलग ही दुनिया में शामिल हो जाते हैं जब तक हम सिग्नापुर में रहते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से करीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है गांव शिग्नापुर, और यहां स्थित है प्राचीन शनि देव का मंदिर शनि शिग्नापुर। हमको जो कुछ प्रॉब्लम आती है और शनि भगवान को हम दिल से पुकारते हैं, तो वो प्रॉब्लम कैसे दूर हो जाती है वो पता नहीं चलता। वो भगवान करते हैं या हमारा नसीब करता है वो कुछ पता नहीं, पर हमको लगता है कि भगवान ही कर रहे। मेरे लिए जो भी हैं सब शनि महाराज हैं। आज मैं अगर आपके सामने भी हूँ तो उन्हीं की बदौलत है, इसके आगे कुछ नहीं। शनि भगवान के तो वचन है, वो कहता तू मेरा बन, सारी दुनिया तेरी बना दूंगा। काफी भक्त शनि भगवान की मूर्ति सामने देखती हूँ, मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, यहाँ आके दर्शन लेती हूँ तो मन प्रसन्न हो जाता है कि आपके हृदय में उनका प्यार प्रकट हो जाता है। भगवान की मूर्ति देख के ऐसा हो जाता है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। जहाँ जाके मन में शांति मिले वही आपके लिए सबसे बड़ा देवस्थान है। तो फिर हम 7 साल से सिग्नापुर आ जा रहे हैं। हम लोग इधर कम से कम 30-35 साल से हम लोग आते हैं।
मैं गुजरात सूरत से हूँ। मैं उस पर इतना विश्वास करता है कि मैं 15 साल से वहाँ यहाँ आता हूँ और दर्शन लेता हूँ। हर साल हमें खींच लाता है, ऐसे नहीं है कि हम लोग वो अपने आप से एक मन में बैठते हैं कि हमें जाना ही है, जाना ही है। इस मंदिर को एक जागृत देवस्थान माना गया है, यानी कि ऐसा जीवित मंदिर जहां भगवान अपने भक्तों की किसी भी प्रकार की अनहोनी से रक्षा करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में सैनी सिंगनापुर सैनी महाराज जी के नाम से जाना जाता है। This is the only and one and the only main temple and shrine of Lord Shani. Shani Shingnapur बहुत पुराना धार्मिक स्थल है। यहाँ तो बहुत महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से बाहर से सब देश भर के सब लोग यहाँ दर्शन ले आते हैं। वो क्यों आते हैं? यहाँ तो जो दर्शन के लिए आता है उसको कुछ न कुछ प्रॉब्लम, कुछ बाधा, जो हर आदमी के जन्म कुंडली में शनि का स्थान आता है, इसको 7.5 पौनती बोलते हैं, वो उसका निवारण करने के लिए वो यहाँ आते। हम जब हमारे जिंदगी में चलते हैं, 22 साल के होते हैं, तब हम कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, कुछ जॉब में होते हैं, कुछ में होते हैं, तो हम क्या होता है कि उस समय हमारे में अहंकार आता है कि मैंने पढ़ाई की, मैंने शिक्षा ली, इसलिए मैं आज इस पोस्ट पे हूँ। जो मैं आता हूँ, मैं वही मैल होता है, और वो निकालने के लिए 2.5 साल के बाद, यानी 22.5 साल के बाद 7.5 साल के लिए शनि भगवान 7.5 में आते हैं, और उसका जब 30 साल तक जाता है वो, तो उसकी मैं जो होता है वो निकल जाता है। शनि भगवान जो है सिर्फ अहंकार निकालने के लिए होते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। मेरे खुद के लाइफ का एक्सपीरियंस है कि हम लोग एक्चुअली बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में थे। जैसे बोलते हैं ना, एक नया पैसा नहीं होता, वो स्थिति में भी थे। और वो जब हम लोग वहाँ यहाँ पर भी आए, बताया गया कि आपको 7.5 लगा, तो हम लोग उसको, हाँ 7.5 लगा शायद मेरे भाग्य में, मगर वो जो फेथ है कि जितना अगर आपने मुझसे लिया है आप उतना ही देंगे, तो मैंने पाया है जो दिया, जितना लिया उससे तो 100 गुना ज़्यादा दिया। तो वो जो फेथ है वो अटल है, उसके लिए कोई एक वर्ड में डिस्क्राइब करना तो बहुत ही मुश्किल। शनिदेव एक ऐसा है का सब लोग बोलते हैं ये भगवान मेरे तरफ आना चाहिए, वो भगवान मेरे तरफ आना चाहिए, लेकिन शनिदेव को लोग क्या बोलते हैं इधर आने के बाद, बाबा सबके राज में जाओ, मेरे राज में मत आओ। मैं तो बोलता है शनिदेव जिसके राज में आएगा उससे बड़ा कोई नहीं है। शनि देवता जो है वो ग्रह देवता है, और कुछ लोग भक्ति के माध्यम से यहाँ पे आते हैं और कुछ लोग डर की वजह से यहाँ पे आते हैं। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, अवेलेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस।